सोलन में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मंत्री सुखराम चौधरी सोलन पहुंचे, जिनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दोनों ही नेताओं ने जहां अपनी शीर्ष के नेताओं का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली की जमकर तारीफ की और कहा कि वे सभी मिलकर एक बार फिर से विजय हासिल करेंगे और जीत का इतिहास रचेंगे। इस मौके पर सुखराम चौधरी ने शीर्ष के नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जा रही हैं, वे उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे और उम्मीदें उनसे की जा रही हैं, उन पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन भाजपा ने इस गढ़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास कांग्रेस कार्यकाल में नहीं बल्कि भाजपा के समय में हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भी सिरमौर में भाजपा के 3 विधायक थे और आज भी भाजपा के 3 विधायक हैं। इन सभी के सहयोग से एक बार फिर भाजपा जीत हासिल करेगी और बार 500 सीटें भाजपा की झोली में डाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिरमौर में राजीव बिंदल जैसे सुलझे हुए व्यक्ति और बलदेव तोमर जैसे नेता मौजूद हैं, जिनकी वजह से सिरमौर आज भी मजबूत है। ये मजबूती आने वाले समय में भी कायम रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है। जो पार्टी को, सरकार को मुझसे आशाएं हैं, उसके अनुरूप काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है, मिशन है, वर्ष 2022 में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करना है। उसके लिए जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उसको वो खूबी निभाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ रहा है और शिमला संसदीय क्षेत्र में भी विकास तब हुआ जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप सिरमौर की हालत देख लो, शिमला की हालत देख लो, सोलन की हालत देख लो। जहाँ तक जिला सिरमौर की बात है, आज जिला सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं और पिछली जब कांग्रेस की सरकार भी, तब भी 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत किला है। आने वाले समय में, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुरेश कश्यप जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल जैसे सुलझे हुए व्यक्ति जिला सिरमौर में बैठे हैं, तोमर साहब हैं, हम सब मिलकर जिला सिरमौर की पांचों सीटें जीतकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 2022 में जिला सिरमौर का 100% योगदान देना चाहते हैं। उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे।